केजीएमयू गैस्ट्रोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुमित रोंगटा ने बताया कि हेपेटाइटिस का इलाज नहीं कराए जाने पर लिवर कैंसर हो सकता है। इसकी वजह से लिवर में सूजन आती है। यह अनुवांशिक कारणों, वायरस, ऑटोइम्यूनो या विषैले तत्वों के कारण भी हो सकता है। यह बीमारी दूषित पानी, शराब और दवाओं के लंबे समय तक सेवन से, रक्त संक्रमण की वजह से भी हो सकता है। यह ए, बी, सी, डी और ई आदि प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी शरीर के संक्रमित द्रव जैसे संक्रमित खून सहित शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। पेशेंट एक बच्चे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाता है, बच्चों को हम लोगों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन इंस्टीट्यूशन में एट बर्थ ओनली लग जाता है। रिमेनिंग डोसेस सब्सिक्वेंटली 3 डोसेस लग जाता है हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से। अभी भी जो तो है WHO का डाटा है उसमें ओनली 42% को बर्ड डोज कवरेज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। 42% लोग को बर्ड डोज लग रही है, यानी 58% लोग को अभी भी नहीं लग रही। ये वर्ल्ड का डाटा है, इंडिया में तो और कम लग रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी रोकना है तो बर्थ डोज इम्पॉर्टेंट है। वो एक दवा जो 30 रुपये की आती है, प्राइवेट में भी करीब तो 100 रुपये की वैक्सीन मिल जाती है, तो गवर्नमेंट सेंटर में तो 20-30 रुपये की मिलती होगी मुझे लगता है। वो अगर टाइमली लग जाए सबको बर्थ के समय तो हेपेटाइटिस बी आगे चलते धीरे धीरे बहुत कम है। और वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हैं, वो सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो लोग बताते हैं इनको दवा देनी कि नहीं देनी। अभी प्रेजेंट स्टेट में ये है कि 2000 पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है आपके एजेंसी में, हेपेटाइटिस बी के ऑन ट्रीटमेंट 2000। कितने दिन का आता है 2000? हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट 2021 से शुरू हुआ है, पिछले 3 साल का। में हम लोगों ने 15000 पेशेंट देख लिए हैं और हमने 3000 पेशेंट दवाओं पे, 2000 पेशेंट दवाओं पे। मतलब